नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज बनाते हैं हम पटाटो चीज़ बड़ा। पटाटो चीज़ बड़ा बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन, इसमें डाला मैंने ऑयल, तेल, रेगुलर राई के दाने, जीरा, अच्छे से इनको चटका लेंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक अच्छे से भून लेंगे। कुछ करी पत्तियाँ मैंने यहाँ पे ऐड किए, इसमें मैंने ऐड किया बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे, सौते कर लेंगे। यहाँ पे हमें एकदम ब्राउन नहीं किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली चॉप, बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। उसके बाद मैंने इसमें ज़्यादा कुछ मसाले इसमें ऐड नहीं करने, हल्दी पाउडर, और ये है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। आपके पास हो तो ठीक, ना हो तो आप रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें डाला बॉयल आलू ग्रेट किए हुए, आप चाहो तो हाथ से मैश करके डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने ऐड किया नमक स्वादानुसार, और खट्टे के लिए मैंने ऐड किया है आमचूर पाउडर। मिक्स कर लेंगे, आलूओं को भून लेंगे, और इसमें डाला मैंने बारीक कटा हुआ धनिया। ये हमारा एक मिक्सचर हो गया तैयार। इसको एक बॉल में डाल देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम बना लेंगे इसके लिए एक घोल। घोल कैसे बनाना है चलो देख लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया बेसन 4 बड़े चम्मच, इसमें मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच सूजी। सूजी मैंने ऐड किया है क्रिस्पी पन के लिए, आप हो तो डालें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। पैकिंग पाउडर डाला 1/2 टीस्पून, अजवाइन डाला 1/2 टीस्पून क्रश करके, हल्दी पाउडर डाला कलर के लिए, इससे कलर बेहतरीन आता है, अच्छा कलर आ जाता है। नमक डाला जो हमारा बैटर है उसके अनुसार। और जब भी हम किसी चीज़ का घोल बनाते तो हमें पानी एक साथ नहीं डालने का, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बना लेंगे। या मैं उससे घोल बना रहा हूँ उसकी मदद से, आप चाहो तो स्पॉन से भी बना सकते हो, हाथ से बना सकते हो, पानी धीरे धीरे डालना है। ये हमारा घोल हो चुका है तैयार। घोल ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब पटाटो चीज़ बड़ा के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मोजरेला चीज़, प्रोसेस चीज़, दोनों बराबर क्वांटिटी में। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी बना लेंगे हम ये छोटे छोटे गोले। अब जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था हमें उसको ये इस तरीके से लेना है और ऐसे करके ये चीज़ इसके अंदर भर देना है, स्टफ कर देना है, और अच्छे से इनको बॉल गोल कर लेना है, बॉल की तरह से सभी को हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है, पूरे बॉल बना लेने हैं। ये मैंने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। अब इसको डालेंगे जो हमने बेसन का घोल बनाया था उसमें, इसको कर देंगे हम फ्राई। तेल ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट होना चाहिए। सारे बॉलों को इस तरीके से डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये हमारे बॉल फ्राई हो चुके हैं, अब इसको निकाल देंगे हम एक बर्तन में। अब इसको कर देंगे सर्व। सर्व मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी प्लेट में रखा है, इसके साथ मैं सर्व करूँगा ग्रीन चटनी, टमाटो केचप और मेयोनीज। आप चाहो तो ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हो, केचप के साथ ले सकते हो, जो भी आपके पास हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, न्यू रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय।